अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे किस तरह से हम मिदास भाई से इजीली जैज कैश या इजी पैसा से यूसी ले सकते हैं, क्योंकि फेसबुक या जो भी ऑनलाइन है काफ़ी सारे स्कैम होते हैं। तो काफ़ी सारे दोस्त चाहते हैं कि हम खुद यूसी इजी पैसा या जैज कैश से लें, तो उसके लिए जो भी चीज़ें हैं, जो भी एरर आते हैं या उनका जो सलूशन है, इस वीडियो में हम बात करेंगे। ये 4 से 5 मिनट की वीडियो है, तो इसमें आपने गौर से देखना है इसको। तो सबसे पहला जो हमें चीज़ चाहिए, हमारे पास अगर जैज कैश है तो ठीक है, नहीं तो इजी पैसा है, जो भी है, आपने उस ऐप को पहले खोल लेना है, क्योंकि बाद में वो एरर देता है। तो जो जो भी चीज़ें मैं कर रहा हूँ ऐसे ही आपने करना है, आपकी यूसी लग जाएगी। तो ये मेरे पास जैज कैश खुल रहा है, यहाँ से इसका मैं पिन दे देता हूँ, मतलब मैं अपना जैज कैश खोल लेता हूँ। ये भी हो जाता है, चलो जैज कैश खुल गया है। मेरे पास 14,257 रुपीज़ हैं। तो इसके बाद मैं आता हूँ अपने क्रोम में। क्रोम में आने के बाद यहाँ पर आपने लिखना है मिदास भाई। अच्छा, काफ़ी सारी साइट्स ऐसी हैं जो मतलब उनकी वेबसाइट मिदास से रलती है, मिलती जुलती है, तो उस पर स्कैम भी होते हैं। मतलब हमारी आईडी जो होती है पबजी की, वो हैक होती है या कुछ भी। यहाँ से मैं गूगल में यहाँ पर मिदास भी लिखता हूँ, ये आप देख सकते हैं midasbhai.com। जी ये रियल है, तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। इसके बाद हमने यहाँ क्लिक करना है टॉप अप पर। ये ऊपर मेरे ख्याल में रीजन अदर लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर हमने क्लिक करके इसको पाकिस्तान करना है। यहाँ पर अच्छा, ये हम यहाँ क्लिक करते हैं, यहाँ से पाकिस्तान को सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर गो पे, और यहाँ से टॉप अप। यहाँ पर हमने अपनी प्लेयर आईडी डालनी है, तो मैं अपनी पबजी में जाता हूँ, मेरे पास पबजी पहले से खुली हुई है। तो यहाँ से मैं इसकी जो प्लेयर आईडी है वो मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से यूज़र नेम नहीं कॉपी करना, सिर्फ प्लेयर आईडी ही कॉपी करनी है। तो ये कॉपी हो चुकी है, और यहाँ पर हमने करनी है पेस्ट। इसको मैं पहले एडिट कर लेता हूँ, ये किसी की लगाई थी मैंने, तो यहाँ पर पेस्ट करके ओके पर क्लिक करना है। लाडली किलर, तो आपने नाम कंफर्म कर लेना है आपका जो आईडी में नाम है। यहाँ पर मेरे पास जैज कैश है, तो मैं जैज कैश सेलेक्ट करता हूँ, और टेस्ट के लिए मैं सिर्फ 7 UC डालता हूँ, क्योंकि पता नहीं ये बस ऐसे गेस्ट मोड पर है ये आईडी। तो ये 20 रुपये में है 7 UC। यहाँ से मैं पे नाउ कर लेता हूँ। इसके बाद आपने यहाँ पर अपना जैज कैश का नंबर देना है, अगर इजी पैसा है तो इजी पैसा दे दें। तो मेरे पास ये पहले से यहाँ पर सेव है, तो मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ। और यहाँ पर वो OTP मांग रहे हैं, मोबाइल पर मैसेज आएगा, तो हम यहाँ पुट करते हैं। अच्छा, ये 5515 कंटिन्यू करना है। अब इसके बाद अगर जैज कैश आपका खुला होगा ऐप, तो ऊपर आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपने पिन देना है। तो यहाँ पर मैं पिन देता हूँ इसका, ये आप देख सकते हैं पेइंग ₹20। तो यहाँ पर आपने कंफर्म कर लेना है, उसके बाद आपने पिन दे देना है। तो ये मैं पिन दे देता हूँ, यहाँ से ट्रांजैक्शन सक्सेस हो गई है। अब यहाँ से हमने क्लोज़ करके वापस यहाँ पर आ जाना है कोडा पेमेंट पे। तो ये कुछ टाइम लगाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 20-15 सेकेंड आपने वेट कर लेना है। ये नहीं समझना कि यार कुछ गड़बड़ हो रही है, तो ये मैं वेट कर लेता हूँ थोड़ा सा। ये हो जाती है कभी कभी, 1 मिनट भी लग जाता है, लेकिन ज़्यादा नहीं लगती। अभी ये हो गई है,
तो ये परचेज हो गई है, फिर हमने रिटर्न टू मर्चेंट पर क्लिक करना है। ये ऊपर मैसेज भी आ गया है 20 रुपये का। यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा कि आपकी जो परचेजमेंट है सक्सेस हो गई है। तो मैं अपनी पबजी खोल लेता हूँ, देखता हूँ कि यूसी गई है कि नहीं। ये आप देख सकते हैं 14 यूसी हो चुकी है, 7 यूसी पहले से मौजूद थी तो अब हो गई है 14 यूसी। तो इस तरह से आप अपनी यूसी जो है इजी पैसा या जायज़ कैश से ख़रीद सकते हैं। और अगर इसमें मिदास भाई में अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करना चाहें तो फिर भी ये सेफ़ है, और क्रेडिट कार्ड से जो यूसी है वो सस्ती मिलती है। मैं यहाँ पर कार्ड पर क्लिक करके ये देख सकते हैं आप, ये 738 यूसी है, 1500 रुपये पड़ रही है। तो अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है जो इंटरनेशनल पेमेंट्स को सपोर्ट करता है तो उससे आप ये यूसी सस्ती ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मैंने इस वीडियो को एडिट वगैरह नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें अगर आपको आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग।